इमरती देवी को मौका देती है तो किस तरीके से देखते हैं आप? खास बात यह है कि इमरती देवी का दतिया जिले की भांडर विधानसभा में मायका है, तो दतिया जिले की बेटी है। अगर उनको अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि पार्टी विजय होगी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मिशन 2024 लोकसभा अभियान हमारा शुरू हो चुका है और हम लगातार तमाम पार्टी के नेताओं से लगातार हमारी चर्चा जारी है और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और ZRUCC के मेंबर सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। पहला सवाल करना चाहेंगे, सिवाड़ा विधानसभा से आपका नाम चर्चा में आया था कि आप दावेदारी पेश कर रहे थे और आपने तमाम सिवाड़ा क्षेत्र के लिए काम किया है, लेकिन इसके बाद भी आपका प्रत्याशी चुनाव जीता, क्या कहना है आपका? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता और मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बड़ा है, तो मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ, मेरी उनको शुभकामनाएँ भी हैं जी। प्रदीप अग्रवाल से क्या उम्मीद करते हैं अब आप? निश्चित रूप से वो सिवाड़ा के विकास के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे और जहां मेरी उपयोगिता महसूस करेंगे वहां मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा। मुझे वो इंटरव्यू अच्छे से याद है जब आपने हमारे बीच में इंटरव्यू में वचन दिए थे कि वो आप सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संकल्पित हैं। जैसा कि आपने कहा था कि सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से हम लगातार प्रयासरत रहेंगे, क्या हुआ उसका? अभी पर्यटन बोर्ड के द्वारा भी जिला प्रशासन से भूमि के आवंटन और भूमि की उपलब्धता के विषय में जानकारी चाही गई थी, वो जानकारी यहाँ से तहसीलदार और SDM के माध्यम से पहुँच भी गई है, उस पर प्रक्रिया शुरू है और निरंतर जितने भी हमने मुद्दे उठाए थे उस समय, चाहे वो रतनगढ़ बांध परियोजना का विषय हो, उस विषय में भी NOC उस समय पेंडिंग थी जब हमारी आपकी वार्ता हो रही थी, लेकिन अब उसकी NOC भी हो चुकी है। वाइल्ड प्लान अभी सबमिट होना था, उसकी प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है इस हफ्ते वो सबमिट हो जाए और बहुत जल्दी से जल्दी हम लोगों को, क्षेत्रवासियों को शुभ समाचार मिलेगा जी। और डैम का काम प्रारंभ हो जाएगा जी। जो इस समय सिवाड़ा क्षेत्र का अधूरा पुल पड़ा हुआ है, लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके लिए आपका क्या प्रयास है? उस पुल को हमने स्वीकृत कराया था उस समय माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसमें पहल की थी और स्वीकृत हो चुका था और निर्माणाधीन है, और शीघ्र अति शीघ्र 1.5 साल का उसका टाइम पीरियड था, तो बारिश में कुछ काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब काम स्टार्ट चल रहा है, बहुत जल्दी वो तैयार हो जाएगा। 2024 लोकसभा का आरंभ हो चुका है, कई प्रत्याशी दावेदारी करने पे आए हैं। अभी हाल ही में इमरती देवी जी का एक स्टेटमेंट हमने सुना है कि शायद वो चुनाव लड़ सकती हैं भिंड दतिया से, तो यदि पार्टी इमरती देवी को मौका देती है तो किस तरीके से देखते हैं आप? निश्चित रूप से इमरती देवी का हम स्वागत करते हैं अगर पार्टी उनको मौका देगी, और क्षेत्र की जनता में उनका बेहतर पकड़ है और सबसे खास बात यह है कि इमरती देवी का दतिया जिले की भांडर विधानसभा में मायका है, तो दतिया जिले की बेटी है। पिछली बार भी जब वो कांग्रेस के समय में 2014 में सांसद का चुनाव लड़ी थी, तो दतिया की उस समय कांग्रेस तीनों विधानसभा सीटें हारी थी, उसके बावजूद इमरती देवी को दतिया जिले की जनता ने इतना अपूर्व स्नेह और प्यार दिया था, वो तीनों विधानसभा यहाँ से जीत के गई थी और अच्छे मार्जिन से जीती थी, वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी लोकसभा का, शायद 26,000-30,000 के आसपास। अगर उनको अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि पार्टी विजय होगी, और पार्टी जिसको अवसर देगी वो विजय होगा। इस बार तो 2024 मोदी जी की लहर है, पूरे देश में वातावरण है, मतलब जिस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा वो भाग्यशाली होगा, चुनाव जीतेगा निश्चित रूप से। इमरती देवी की क्या खास बात आप मानते हैं कि इमरती देवी किस तरीके से आपको लगता है कि वो चुनाव निकाल सकती हैं या निकालेंगी, क्या क्या खास बात है? इसके दो कारण मैं मानता हूँ। एक तो कि जब वो कांग्रेस में थी तो मिनिस्टर थी, वो मिनिस्टर से जब वो रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो मैं तो आज भी उनको हारा इसलिए नहीं मानता, वह
कांग्रेस पार्टी में रह के 63,000 वोट से चुनाव जीती थी डबरा विधानसभा से, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी तो उनको वो 63,000 का उनकी जो लीड का मार्जिन था वो कम किया, वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने वोट वापस किया और 1800 वोट से चुनाव हारने का मतलब कोई खास रह नहीं जाता है, लेकिन जो हार उनकी हुई उसके प्रति आम जनता में सहानुभूति इसलिए है, जनता ये मान रही है कि एक मंत्री पद से रह के उन्होंने पार्टी में आके इस्तीफा दे के आई थी और उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, इसलिए एक जो लहर कह सकते हैं कि सहानुभूति लहर उनके प्रति है तो वो बेस्ट कैंडिडेट हो सकती है। इमरती देवी का एक बहुत बड़ा वो पॉजिटिव पॉइंट ये भी रहता है कि वो पैर छूने में कसर नहीं छोड़ती हैं, क्या भिंड के लोग पैर छूने से वोट दे देते हैं? नहीं, भिंड के नहीं, देखो क्या है कि हम लोकतंत्र में जाते हैं और लोकतंत्र की जब परंपरा है कि हम वोट मांगने जाते हैं तो मतदाता वो देने वाला है और हम लेने वाले हैं, तो हम तो वोट की भीख मांगने जा रहे हैं, तो किसी से अकड़ के आप वोट मांगेंगे कौन देगा आपको? तो पैर छू के झुक करके तो हमको उसका दिल जीतना होता है, हम जब उसको लगता है कि हमारा कैंडिडेट इतना झुकता है हमारे प्रति तो मतदाता हमको आशीर्वाद देता है, वही जनता का प्यार और सच्चा स्नेह मिलता है। इसलिए जो है इमरती देवी जी हों, ये उनका बहुत अच्छा गुण है कि वो जब जनता के बीच में अपने भगवान के पास, मतदाता चूंकि लोकतंत्र का भगवान होता है और वो जब अपने भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से हम अनुनय विनय करते हैं, तो उसको रिझाने के लिए जिस तरीके से हम मंदिर में जाके भगवान को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वैसे ही हमको जनता के बीच में जाके आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुनील तिवारी जी, एक बड़ा समय आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये भी मशीन चुनाव जिता रही है उनको, यदि वो डायरेक्ट चुनाव कर लें बैलेट पेपर से तो शायद पता चल जाए। ये तो जब जब कांग्रेस चुनाव हारती तब तक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है, कौन नेता ये कहेगा? कमलनाथ जी क्या ये कहेंगे जाके सोनिया जी के सामने कि मैंने मध्य प्रदेश में कोई सभाएं नहीं की? क्या दिग्विजय सिंह जाके ये कहेंगे कि मेरा जो बंटा ढार का नारा आम जनता के द्वारा 2003 में मिला था वो नारा हमने समाप्त करने के लिए कोई काम किया है? तो कुल मिला के ये है कि हम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता, तो ईवीएम एक अच्छा बहाना है, उस बहाने को लेके लोग, हमारा कार्यकर्ता पूरे 5 साल जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में मशक्कत करता है, मेहनत करता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर आम जनता का आशीर्वाद स्नेह प्राप्त हो रहा है। आपने सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जो काम किया है उसका इनाम आपको मिलेगा भारतीय जनता पार्टी देगी? पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है, उसको अगर हमारी मेहनत का आकलन होगा तो निश्चित रूप से हमको प्रोत्साहित करेगी। क्या कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? पार्टी पर हम भरोसा करते हैं, पार्टी के हम जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और अनुशासित हैं, तो पार्टी का जो भी हमारे प्रति सोच रहेगा वो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। सिंधिया जी ने जिस तरीके से भूमिका मध्य प्रदेश में निभाई है उसके क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी जन जन के प्रिय और लाड़ले नेता है और उनके प्रति जनता में एक अलग भाव है, अपनेपन का भाव है, अपनी उम्मीदों का भाव है, इसलिए सिंधिया जी जब जनता के बीच जाते हैं तो जिस अपनेपन से वो मिलते हैं उसी अपनापन से जनता उनको आशीर्वाद देती है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो क्या, वो पूरे देश के अंदर इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे रोज टीवी पर जो असंभव काम को संभव करके दिखाया, जिस मंत्रालय के लिए लोग ये कहते थे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय में कोई काम नहीं है, काम नहीं, उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया कि जो 2014 के पहले 72 हवाई अड्डे थे वो 150 के ऊपर पहुंच गए, 3 साल के अंदर उन्होंने इतना काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। तो जिस तरीके से मोदी जी की वैश्विक नेता के रूप में उपलब्धि हासिल हो रही हमको, वही उपलब्धि
देश के अंदर सिंधिया जी के मामले में आम जनता एक काम करने वाले, एक जनता के हितों की रक्षा करने वाले नेता के रूप में सिंधिया जी को देखती है। मध्य प्रदेश में इस समय 29 सीटें हैं लोकसभा की, कितनी सीटें चुनाव जीतेंगे? उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमने सरकार बनाई थी। इस बार क्लीन स्वीप, भाजपा पूरी 29 की 29, मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। कमलनाथ जी नहीं जीतेंगे इस बार? कमलनाथ जी को तो विधानसभा में ही मुश्किल पड़ गई जीतना, तो अब तो उम्मीद ही छोड़ दो। मतलब पिछली बार 28 सीटें जीती थी, इस बार 29 जीतेंगे? पूरी की पूरी क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश मोदीमय, एक भी सीट नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। बड़ा दावा किया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं सुनील तिवारी जी का बड़ा बयान, 29 सीटें में से 29 सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। आपकी जनता दल न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। दतिया से हमारे साथ सुनील तिवारी जी जुड़े हुए थे। लगातार हमारा 2024 लोकसभा शुरू हो चुका है, इस अभियान में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए। डोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव पंडोखर धाम। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।